नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम या राउल्ट्स लॉ क्या होता है। इसके नियमानुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर इक्वल होगा, मतलब समान ताप पर माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होगा वो पी नॉट, और विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो हमारा क्या होगा, पी एस, तथा विलयन में विलेय और विलायक के मोलों की संख्या है क्रमशः स्मॉल एम और कैपिटल एन हैं। तो राउल्ट के नियमानुसार पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होगा। यहाँ पर हम एन को लिख सकते हैं डब्लू अपॉन एम, स्मॉल एन एन को स्मॉल डब्लू एम अपॉन एम लिख देंगे और कैपिटल एन को कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम लिख देंगे। और यहाँ पर हम स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को इक्वल कैपिटल एन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि तन विलयनों में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एम एन है और विलायक के मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल एन की तुलना में बहुत क्या होती है, कम होती है। अतः यहाँ पर स्मॉल एन को यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लिया गया, यानी कि नगण्य मान लिया गया है। तब हम अपने इक्वेशन को लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल एन अपॉन कैपिटल एन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एन अपॉन कैपिटल एम को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या फिर इसको और इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और यही हमारा फार्मूला हो है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राउल्ट नियम की सीमाएं। इसके नियमानुसार राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर इस नियम का पालन नहीं होता है। विलेय केवल विलायक में घुलना चाहिए, विलेय की विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, विलेय का विलायक में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। यही हमारे राउल्ट नियम की सीमाएं हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आदर्श विलयन या आइडल सॉल्यूशन। जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हेनरीज लॉ या हेनरी का नियम। हेनरी का नियम मेनली कहते किसे हैं, इंग्लिश रसायनक विलियम हेनरी ने 1801 में अपने प्रयोगों द्वारा गैस की द्रव में विलेयता और उनके आंशिक दाब में, किसके विलेयता और आंशिक दाब में संबंध ज्ञात किया और एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी लॉ। इसके नियमानुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो S इक्वल के एच पी, जहाँ पर S हमारा क्या है, गैसों की द्रव में विलेयता, P हमारा क्या है, विलयन पर गैस का आंशिक दाब, और के एच हमारा क्या है, हेनरी नियम स्थिरांक या हेनरीज कॉन्स्टेंट। इसकी एक और डिफिनेशन है, स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैसों के मोल प्रभाज विलयन पर गैसों के आंशिक दाब के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जिसका फार्मूला है पी बी इक्वल एक्स बी इंटू के बी होता है, जहां पर हमारा एक्स बी क्या है, विलयन में गैस का मोल प्रभाज है, पी बी क्या है, विलयन पर गैस का आंशिक दाब वायुमंडल में, के बी क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, ये भी हमारा किस में होगा, इसकी यूनिट क्या है, एटीएम में, एटीएम मतलब वायुमंडल में। हमारा थ्योरी का सारा पार्ट खत्म हो चुका है, तो अब हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्या है, 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर 9% ग्लूकोज के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो हमें हमारा गिवन क्या क्या है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 9% हमारा ग्लूकोज गिवन दे रखा है, वॉल्यूम हमारा 100 ml दे रखा है,
जो कि हमारा 0.1 लीटर होता है। और हमारा ग्लूकोज का फार्मूला याद होना चाहिए, C6H12O6 होता है। इसका जो परमाणु भार होता है, मॉलिकुलर वेट होता है, वो हमारा 180 होता है। और यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा था, 127 डिग्री सेल्सियस। तो 127 + 273, तो इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ गया 400 केल्विन। आर की वैल्यू मैंने बता रखी थी आपको। तो यहाँ पर परासरण दाब का जो फार्मूला होता है, WRT अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। इस और यहाँ पर फार्मूले में हमने सारी वैल्यू इसको पुटअप किया, सॉल्व किया, और इसका आंसर कितना आ गया, 16.42। और जो इसकी यूनिट होगी वो हमारा क्या होगा, ATM, यानी वायुमंडलीय दाब। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 100 केल्विन ताप पर 15% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। और उसका मॉलिकुलर वेट होता है 180 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो वेट दे रखा है 15 ग्राम दे रखा है, 15% यूरिया यानी 15 ग्राम। वॉल्यूम दे रखा है 100 ml लेना होगा। और इसका ये क्या हो जाएगा, 0.1 लीटर हो जाएगा। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 100। तो क्या करेंगे टेम्परेचर में, टेम्परेचर वहाँ पर 100 दे रखा था, 100 को 273 में ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, केल्विन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा वेट दे रखा था 15, और जो आर की वैल्यू होती है 0.0821 होती है। और यहाँ पे टेम्परेचर 373 डिग्री केल्विन हो गया था, और मॉलिकुलर वेट 60। और ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था, 0.1 लीटर। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। 15 से इसको 4 टाइम्स में कट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आता है 821 × 373/4000 आता है, ठीक। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। और आंसर किस में होगा, ATM में आपका आंसर होगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज अनबॉस साइनिंग ऑफ। जय हिंद।